दोस्तों नमस्कार। यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यूपी का हो, चाहे बिहार का, चाहे छत्तीसगढ़ का, या कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यदि आप पास करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, वीडियो लेक्चर और हर साल परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। मात्र ये सारे चीजें आपको मात्र 500 में मिल जाएगी, जिसे देख करके, सुन करके, समझ करके आप 100% परीक्षा में 95+ मार्क ला सकते हो। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल 30 दिन में, यानी पूरा मई महीने में केवल 30 दिन में आप यूपी पॉलिटेक्निक या बिहार पॉलिटेक्निक या कोई भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास कर पाएंगे। मैं उसकी पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाया है बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू को देखा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के टॉपर्स हों, चाहे यूपी बोर्ड के टॉपर्स हों, चाहे बिहार बोर्ड के टॉपर्स हों। मैंने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू को देखा और उसमें से निष्कर्ष निकाला कि स्टूडेंट कैसे 95% से अधिक मार्क लाते हैं। ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशल होने वाली है, आप लोगों को इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा। यदि आप चाहते हो कि आप भी टॉप 5 कॉलेज में आ जाओ, आपका भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना दोस्त। दोस्तों आप भी मई में, केवल मई में, मात्र 30 दिनों में पढ़ाई करके यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम 100% अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उनके पास भी 2 पैर होता है और उनके पास भी 2 हाथ होता है, और वो भी वही बुक पढ़ते हैं, सेम बुक पढ़ते हैं, और आप भी वही सेम बुक पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या वे स्टूडेंट पढ़ते हैं, करते हैं कि वे 95+ मार्क लाते हैं, या 100% में 95% मार्क लाते हैं, और आप वहीं पर क्या ऐसा नहीं करते हो जिसकी वजह से आपका मार्क बहुत नीचे रह जाता है। ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 टिप्स बताने वाला हूँ, 7 टिप्स बताने वाला हूँ। इसका मतलब सफलता के 7 मूल मंत्र बताने वाला हूँ, जिससे आपकी एजुकेशन वाली लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सफलता के 7 मूल मंत्र आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप इनको फॉलो करके एक अच्छे रैंक ला सकें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए जिंदगी में सबको एक बार मौका मिलता है, यानी ऊपर वाला सभी लोगों को, सभी इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का, टॉप करने का, सफलता पाने का मौका एक बार जरूर देता है। हो सकता है कि यही मौका हो जिसमें आपको सफलता मिलने वाली हो और आप 100% एग्जाम क्रैक करने वाले हो और सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टिप्स नंबर वन में देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से हो जाए मात्र 30 दिन में, यानी 30 दिन में 30 डेज में, यदि आप चाहते हो कि आप 100% टॉपर बनो, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो आपके पास सबसे पहले कॉपी होनी चाहिए और उसका नोट्स होना चाहिए और वो बुक होनी चाहिए। कॉपी किस टाइप की होनी चाहिए? आप कॉपी बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, मतलब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ में, या आपके एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सारे सब्जेक्ट की कॉपी आपके पास 100% होनी ही चाहिए। और नोट्स आपको खुद बनाना है, कैसे बनाना मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, बताऊंगा नोट्स कैसे बनाएंगे कि आप आसान से आसान भाषा में नोट्स बना करके बहुत लंबे लंबे थ्योरी को बहुत कम कंसेप्ट में तैयार कर पाएंगे, और उससे रिलेटेड आपके पास बुक होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे इस लॉकडाउन में बुक वाली दुकानें खुल नहीं रही हैं, तो आप ये बुक कहाँ से पाओगे? तो बेटा इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, आप इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जहाँ पर आपके कोर्स के लिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक्स जैसी बुक्स अपलोडेड हैं, फ्री में अपलोडेड हैं, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके आप उसे पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हो, ठीक है। नेट से डाउनलोड करके उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। लॉकडाउन में बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, आप अपने घर पर ही तैयारी करिएगा। मैं आपको अगली टिप्स बताता हूँ, टिप नंबर 2 पर आते हैं।
टिप्स नंबर टू में स्टूडेंट आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं तो टाइम टेबल बनाना हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ अलग टाइप का टाइम टेबल बनाने के लिए बताने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और उसके अनुसार उसको फॉलो कीजिएगा, 100% सफलता आपको मिलने ही वाली है। टाइम टेबल बनाइए, जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन में 6 घंटा अगर पढ़ सकते हो तो केवल 6 घंटे का ही टाइम टेबल बनाएंगे। जबरदस्ती आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ऐसा कुछ भी टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ उस अनुसार यदि आप टाइम टेबल बनाते हैं तो 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यदि आप 4 घंटे पढ़ने की आदत डाल सकते हैं और 4 घंटे टोटल स्टडी कर सकते हैं, तो इस 4 घंटे में से आप अपने उस सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए। मान लीजिए 4 घंटे में से 2 घंटे ने आपने मैथ को दे दिया, बाकी बचा आपका 2 घंटा। अभी इस 2 घंटे में से 1 घंटा आपने फिजिक्स को दिया और 1 घंटा आपने केमिस्ट्री को दिया। इस तरीके से आपने ये 2 घंटा मैथ, 1 घंटा फिजिक्स और 1 घंटा केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपने अपना टारगेट बनाया, इस टाइम टेबल के अंदर आपने फिट कर लिया। अब ये ध्यान रहे कि ये जो 4 घंटा है ये आपका अपना पर्सनल टाइम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप किसी YouTube चैनल से अगर पढ़ाई कर रहे हो, लाइव क्लास पढ़ रहे हो तो उस टाइम को भी इसमें जोड़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना अलग से 4 घंटा देना है। आप कहीं कोचिंग कर रहे हो या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो तो वो टाइम निकाल दीजिए किनारे, आप ये व्यक्तिगत टाइम लेकर के पढ़ाई करेंगे। और ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, इसमें आप किसी का सहयोग नहीं लेंगे, इसको आप एकांत टाइम में आप 4 घंटा टाइम लगा करके पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी। और इस प्रक्रिया को रेगुलर फॉलो करना है। जो स्टूडेंट इसको रेगुलर फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए बेकार की बात हो सकती है इस वीडियो में, लेकिन जो स्टूडेंट इसको रेगुलर फॉलो करेंगे उनके लिए सोने पर सुहागा होगा, उनके करियर, उनका भविष्य 100% सफलता की ओर, 100% सक्सेस की ओर जाएगा। और तीसरी टिप्स है बेटा, देख लो ध्यान से, प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम दें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि फिजिक्स यदि आपका ज्यादा स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे या केवल मैथ पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स पोर्शन से देखिए, अगर यूपी पॉलिटेक्निक की मैं बात कर लूं तो मैथ से टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से टोटल 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से भी 25 क्वेश्चन, तो 25 25 50 हुआ और ये 50 100 हुआ। आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आएगा, यानी मैथमेटिक्स पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और केमिस्ट्री को भी इम्पोर्टेंट समझ करके इस पर भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आती है या बोरिंग महसूस होती है या बोरियत लगती है तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको जानबूझ करके इसे भी पढ़ना है और इसे भी पढ़ना है इम्पोर्टेंट समझ करके। ध्यान से देखिए बेटा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, इस पर आप ज्यादा समय देंगे मैथ पर ज्यादा समय क्यों देंगे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन यानी आधे आध मैथ ही है। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पर एक चीज और मैंने लिखा है, मेंशन किया है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर आपको ज्यादा समय देना है। इतना ज्यादा भी नहीं कि आप उसमें बोर हो जाएं, ज्यादा समय देने का मतलब आधे घंटे आप ज्यादा समय दे सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम बात करेंगे टिप्स नंबर फोर की बात करेंगे, अपने टीचर से हमेशा जुड़े रहें। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो स्टार्टिंग में टीचर के पास कोचिंग करने जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे फोन पर पूछेंगे, उनके संपर्क में बराबर रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद आता है कि वो इस आदत में लूज हो जाते हैं, धीरे धीरे गैप करना शुरू कर देते हैं और बाद में केवल 10% ही टीचर के संपर्क में रहते हैं और फिर अपनी पुरानी आदत में आ जाते हैं। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं करना है, 100% आपको टीचर के संपर्क में रहना ही रहना है। गैप ना करें, गैप करने का मतलब ये हुआ कि आप 2 दिन क्लास अटेंड किए और 1 दिन अब्सेंट हो गए, फिर 2 दिन अटेंड किए, फिर 1 दिन अब्सेंट हो गए। इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि पहला चैप्टर शुरू हुआ, 10 क्वेश्चन उसमें कराया गया, आप अगले दिन नहीं आए तो आपको वो चैप्टर नहीं आया, फिर जब अगला चैप्टर शुरू होगा तो पिछले चैप्टर के बेस पर रहेगा तो फिर आपको अगले चैप्टर को भी पढ़ने समझने में दिक्कत होगी। तो बेटा अगर इस दिक्कत से आपको बचना है तो मेरी टिप्स नंबर 4 को हमेशा दिमाग में रखना ही रखना है।
क्योंकि आप सफलता की तरफ जाना चाहते हो तो आपको संघर्ष करना ही करना है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र यही है कि आपको मैंने जितनी बात बताया है अब तक वो सारी बातों को फॉलो करना है। अब हम बढ़ेंगे टिप्स नंबर 5 की तरफ। अब आ जाते हैं टिप्स नंबर 5 पर। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि कैटेगरी वाइज नोट्स बनाइए और अंडरलाइन कीजिए। इसमें देखिए आप मैथमेटिक्स का दो तरह का नोट्स बनाएंगे। पहले तरह के नोट्स में केवल फार्मूला आप लिखे रहेंगे और दूसरे तरह के नोट्स में आप थ्योरी प्लस आप न्यूमेरिकल ये दोनों टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। यानी मैथ का जो फार्मूला है जो ट्रिक है ट्रिक बताई जाती है वो ट्रिक को आप एक पन्ने में लिख लेंगे और उसको जेब में रख लेंगे पॉकेट में रख लेंगे और हमेशा उसको साथ में लेकर के रहेंगे पढ़ते रहेंगे सोचते रहेंगे। अगर भूल जाता है तो जेब में से निकाल के देखते रहेंगे। इसी तरीके से आप उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल वाले पार्ट को भी एक अच्छे नोट्स में अच्छे हैंड राइटिंग में लिख करके रखेंगे। दूसरी चीज अंडरलाइन क्या चीज करना है। जो चीज ज्यादा आपके लिए टफ लगे जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे उसके नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है। बिना अंडरलाइन किए आप कठिन चीजों को हमेशा याद नहीं रख पाओगे। इसी तरीके से आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी दो तरह का नोट्स बनाना है। एक में केवल फार्मूला और एक में केवल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। इसी तरीके से रसायन विज्ञान में तीन तरीके का नोट्स बनेगा। केमिस्ट्री में तीन तरीके का बनेगा। पहला रासायनिक सूत्र याद कीजिए, अणु भार याद कीजिए, परमाणु भार याद कीजिए, ये सब का हो गया एक तरह का नोट्स। दूसरे तरीके का नोट्स है कि आप रासायनिक समीकरण को याद करेंगे। कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे हैं जो संतुलित करने पर बहुत ज्यादा टफ है लेकिन याद करने पर उससे ज्यादा आसान है। तो आप रासायनिक समीकरण को याद करेंगे और अणु भार अणु सूत्र और उसका जो भी रासायनिक सूत्र है परमाणु क्रमांक परमाणु भार जितना भी याद करने वाली चीज आप याद कर लीजिए। और लास्ट में यहाँ पर आ जाइए ऑब्जेक्टिव पर। रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है इसमें और फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव और रसायन विज्ञान में ऑब्जेक्टिव ये दो तरह का ऑब्जेक्टिव भी याद करेंगे आप नोट्स बना के रखेंगे। ऑब्जेक्टिव का अलग सूत्र का अलग न्यूमेरिकल का अलग। इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो 100% सफलता आपको मिलनी है कोई रोक नहीं सकता है। अब हम आ जाएंगे टिप्स नंबर 6 पर। टिप्स नंबर 6 में मैंने लिखा कि अच्छे दोस्त बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गंदे दोस्तों के साथ में हो जाते हैं तो यहाँ अच्छे दोस्त बनाने का मीनिंग क्या हो सकता है उसका फायदा आपको क्या मिल सकता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हो तो जब आप पढ़ाई करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और नहीं तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखेगा और कहेगा इसको जरा सॉल्व करो। और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा आपका टैलेंट बढ़ेगा। इससे आपका दोस्त का भी लाभ होगा उसे भी वह समझ में आ जाएगा और आप भी एक अच्छे मुकाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज आप आपस में टेस्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे का कंपटीशन भी कि कौन कितना याद किया कौन कितना बताया। तीसरी चीज कि आप एक अच्छे दोस्त को महसूस भी कर पाएंगे। लेकिन यदि आप खराब दोस्त बनाते हैं संगति का असर अगर खराब पड़ गया तो आपकी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। आप टेस्ट की बात तो दूर आप उसके साथ घूमने फिरने में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इस नाते बेटा आप अच्छे दोस्त बनाइए। अगर दोस्त दूर का हो तो उससे व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछिए आंसर दीजिए और कोई ना कोई नया नया सवाल अपने दोस्त के साथ जरूर डिस्कस कीजिए क्योंकि डिस्कशन से ही सारी चीजें दूर होती हैं सारी डाउट्स दूर होती हैं। टिप्स नंबर 7 यहाँ पर मैंने लिखा सुबह जरूर पढ़ें। बेटा देखो सुबह पढ़ना क्यों ज्यादा उचित है लोग सुबह पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं और मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सुबह में पढ़ने के लिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट है अगर इसको नहीं आप देखे सुने तो आपका ये पीछे का बताया हुआ बेकार है। देखिए ध्यान से सुबह जरूर पढ़ना आपको 7 घंटे से अधिक न सोएं 7 घंटे से अधिक आपको नहीं सोना। सुबह क्यों पढ़ना क्योंकि पूरी रात अगर 7 घंटे आपका दिमाग और मस्तिष्क आराम किए हुए है तो आप सुबह जब उठकर पढ़ेंगे वो तरोताजा रहेगा। जो भी पढ़ेंगे वो आपके माइंड में बहुत तेजी से जाएगा बहुत तेजी से आपके माइंड में बैठेगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। और ये तो रहा साइंटिफिक रीजन लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक रीजन की बात करूं तो लोग कहते हैं कि सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह माँ सरस्वती का वास प्रत्येक दिमाग में प्रत्येक मस्तिष्क में होता है। सुबह सुबह माँ सरस्वती
विचरण करती हैं, टहलती हैं। उस समय जो लोग अध्ययन का काम करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ बहुत तेजी से लगता है और उन्हें उसका प्रतिफल, उन्हें उसका अच्छा फल मिलता है और वे अपने काम में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप सुबह में पढ़ोगे तो आपको वैज्ञानिक तौर पर आपका माइंड हल्का रहेगा, फ्रेश रहेगा, आपके दिमाग में सारी चीजें भर जाएंगी। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक रूप में देखेंगे तो माँ सरस्वती का निवास आपके मस्तिष्क में होगा, तब भी आपको सुबह में बहुत ही फायदा होगा बेटा। और यहाँ पर देखिए, आउटडोर गेम ना खेलें। जब तक लॉकडाउन हो तब तक आपको बाहर खेलना ही नहीं है। खेलना जरूर, मेहनत करना जरूर, व्यायाम करना जरूर, लेकिन बाहर नहीं खेलना है आपको। व्यायाम करना है, उस समय पे योगा करना है। आउटडोर खेल की जगह पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल की जगह पर आपको व्यायाम करना कोई ना कोई और योगा करना, ताकि आपके शरीर में एक्सरसाइज हो। और इसके अलावा अगर टाइम पास थोड़ा बहुत समय बिताना चाहते हैं तो लूडो खेल सकते हैं। बेटा ये आदत यदि आपके अंदर आ जाती है तो मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता है। आपकी सफलता आपको बहुत तेजी से अपने पास बुलाएगी। तो बेटा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त को शेयर कर दें, क्योंकि आपने अच्छा दोस्त बनाया है तो उस दोस्त के पास भी ये वीडियो का लिंक जाना चाहिए। थैंक यू बेटा।